एनडब्ल्यूआरयू महिला विंग अजमेर की तरफ से। होली की छुट्टी पड़ने के कारण हम उसे दो दिन ताकि सब लोग अपने परिवार में होली मना सके और हमारे साथ भी अच्छी तरह जुड़ सके। इस कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि मंडल के जो हमारे मुखिया हैं एनडब्ल्यूआरयू जोन के मुकेश माथुर जी, जोनल अध्यक्ष अरुण गुप्ता जी, उनकी पत्नी सहित वो मुख्य अतिथि के रूप में आए हैं और हमारी मंडल समिति जो है डीआरएम ऑफिस की वो हमारे बीच में शिरकत की है और 400 से 450 महिलाएं इसमें भाग ले रही है। इसमें तरह तरह की संगोष्ठी का भी आयोजन किया गया और अंदर आकर कार्यक्रम की प्रस्तुति भी दी जाए। नाम रखा है क्या? एसआरआई में नॉर्थ वेस्ट रेलवे की जी, नॉर्थ वेस्ट रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन अजमेर महिला विंग की ओर से श्वेता हैरिस, CW। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन की महिला प्रकोष्ठ पिछले 32 सालों से लगातार 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में मंडल और कारखाना की तमाम महिलाओं को एकत्रित करके बहुत ही सुंदर कार्यक्रम आयोजित करती हैं। संगोष्ठी के माध्यम से महिला सशक्तिकरण की बात होती है और सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से उसे उत्सव के रूप में मनाने का काम करती हैं। इस वर्ष 8 मार्च को चूंकि होली का त्यौहार था इसलिए 10 मार्च को यूनियन की महिला प्रकोष्ठ द्वारा ये कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया गया और लगभग 500 से अधिक महिलाओं ने इसमें शिरकत करने का काम किया है। और जो हमारे उत्तर पश्चिम रेलवे महिला संगठन जो अधिकारी और उनकी धर्मपत्नियों से मिलकर बना है वो हमारे इस कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में पधारी हैं। हमारे यूनियन के महामंत्री मुकेश माथुर जी इस कार्यक्रम में उद्घाटक के रूप में शामिल हुए हैं और सबसे खुशी की बात यह है कि ये पूरा कार्यक्रम महिलाओं द्वारा तैयार किया जाता है, महिलाओं द्वारा ही ये सारी सजावट की जाती है, महिलाओं द्वारा ही सारी व्यवस्थाएँ की जाती हैं और बहुत खुशी के साथ इस कार्यक्रम को एंजॉय करने का काम करती है। उसी क्रम में आज ये कार्यक्रम सीनियर रेलवे इंस्टीट्यूट में आयोजित हुआ है।